गए नोडल ऑफिसर लौटे हैं, एक सप्ताह बाद लौटे नोडल अधिकारी। और आपको बता दें आज सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट पेश करेंगे नोडल ऑफिसर। तो प्रमुख सचिव स्तर के ऑफिसर जिलों से लौटे हैं, 8 जिलों में संक्रमण तेजी से फैला है। नोडल ऑफिसर्स के रहते संक्रमण तेजी से फैला, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, फिरोजाबाद से संक्रमण फैला है। आपको बता दें कि लखनऊ और कानपुर में भी तेजी से संक्रमण बढ़ा है। तो नोएडा, सहारनपुर में भी तेजी से संक्रमण बढ़ता हुआ इस दौरान नजर आया है। तो आपको बता दें लखनऊ और कानपुर में भी तेजी से संक्रमण फैला है। नोडल ऑफिसर्स के रहते संक्रमण तेजी से फैला, 8 जिलों में संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आया। आपको बता दें आज सीएम योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट पेश की जाएगी। लखनऊ से एक बड़ी खबर है, जहां पर जिलों में गए नोडल ऑफिसर्स अब लौट आए हैं और एक सप्ताह बाद लौटे नोडल ऑफिसर्स। वीरेन सिंह हमारे स्टेट हेड और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वीरेन जी, कहीं ना कहीं यहां पर एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है, जहां पर संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, करीब 20 जिले ऐसे थे जहां पर योगी सरकार ने एक डिसीजन करते हुए प्रमुख सचिव और सीनियर आईपीएस अफसरों को भेजा था कि जहां पर संक्रमण ज्यादा है वो एक सप्ताह वहां कैंप करेंगे और पूरी व्यवस्था को देखेंगे और संक्रमण को रोकथाम के लिए वो काम करेंगे। बिल्कुल। एक सप्ताह बाद आज सारे अधिकारी लखनऊ लौट आए हैं और ये अभी मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अधिकारी भी उन जिलों में जाकर संक्रमण पर काबू नहीं कर पाए जो जिले अब बेकाबू हो रहे हैं। खासतौर से आगरा है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, मेरठ है, लखनऊ है, जहाँ 200-150, कानपुर है, तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये संक्रमण लगातार बढ़ रहा है कोरोना का। और ये जो बड़े बड़े अधिकारी गए, ये आईपीएस और आईटी, इन लोगों ने वहाँ पर क्या उपलब्धि हासिल, कैसे संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या काम किया, तो सरकार को गौर करना होगा और सरकार को ये भी देखना होगा कि इन जिलों के डीएम और एसपी के साथ अब वो कैसा व्यवहार करें, क्योंकि अगर अधिकारी तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं तो खाली नीचे के लोगों को नहीं, ऊपर के अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी।